इधर सरकार जल्दी ही नई पावर टैरिफ पॉलिसी ला सकती है। पावर सेक्रेटरी एके भल्ला ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि इस पॉलिसी से पूरे देश में बिजली की दरें एक समान हो जाएंगी। एके भल्ला से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। सर, एक हम देख रहे थे ओपन एक्सेस परमिशन, उस पर भी टाइम फ्रेम एक स्पेसिफिक देने की बात हो रही है टू ब्रिंग इन मोर कंपटीशन। आर यू वर्किंग ऑन दीज लाइंस? यस, मतलब बेसिकली अब जो रिफॉर्म्स हम करने जा रहे हैं वो हमारे टैरिफ पॉलिसी में आने वाले हैं। हमारे मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हम जल्दी ही टैरिफ पॉलिसी लाएंगे। बेसिकली टैरिफ पॉलिसी में ये जो सारा एक्सपीरियंस है डिस्कॉम्स का, फंक्शनिंग के ऊपर कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ रेगुलेटर्स के साथ इश्यूज हैं, कुछ पॉलिसी गैप्स थे, ये सारी चीज़ें अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में नई टैरिफ पॉलिसी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये अप्रूव होगी तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसी में है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस पॉलिसी में हमेशा से था, लेकिन उसके चार्जेस इतने ज़्यादा लगा दिए जाते थे कि वो कई बार वर्केबल नहीं होता था। और दूसरा, वैसे कह रहे हैं कि आपके जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें क्रॉस सब्सिडी ही आप कम करें, तो जो बाहर लोग जाते हैं ओपन एक्सेस लेने, उनको अपने यहाँ के बिजली महंगी मिल रही है डिस्कॉम से। अगर वो टैरिफ रैशनलाइज होगा तो वो बाहर जाएगा भी नहीं, वो वहीं से बिजली ले लेगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब चीज़ें हमारी पॉलिसी में आने वाली हैं। ये जब इम्प्लीमेंट होगी तो वी एक्सपेक्ट कि ओपन एक्सेस ईजी भी हो जाएगा और कुछ जगह पे ओपन एक्सेस की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। जब ये पॉलिसी कब तक आ जाएगी सर? ये अब हम इसको कैबिनेट के अप्रूवल की ज़रूरत है, तो जल्दी होगा। इट्स रेडी, इट वॉज रेडी अर्लियर ऑल्सो, बट इट वॉज डिसाइडेड कि इसको इलेक्शन के बाद हम लोग करते हैं। सर, अब आप पीएसयूज की बात कर लेते हैं। हमने देखा पिछले साल जो कंसोलिडेशन पे काम हुआ, मर्जर पे काम हुआ, पीएफसी आरईसी, फाइनली सर उसको कब हम देखेंगे? ऑफकोर्स वो एक फाइनल क्लोजर की वेट कर रहे हैं। पीएफसी आरईसी का जैसे टेक ओवर हुआ, मतलब जो एप्रिहेंशन पहले थी मार्केट में वो बिल्कुल भी एड्रेस हो गई है। बोथ द कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, उनके प्रॉफिट्स भी बड़े और उनका शेयर भी बड़ा है जी। तो दोनों कंपनीज ने बड़े अच्छा परफॉर्मेंस किया डिस्पाइट कि वन कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय द अदर। वी हैव नाउ एंगेज्ड अ कंसल्टेंट टू लुक एट हाउ द मर्जर कैन बी डन। सो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू मर्ज दीज कंपनीज, बट इन अ टाइम फ्रेम एंड अ लॉजिकल मैनर। उसके लिए वंस द एक्शन प्लान इज अवेलेबल, it will be discussed and then according approval of the any timeline sir iske kab tak ye karne ki abhi main aaj main nahi keh paunga lekin jaise hi hamare samne aa jayega ho sakta hai ki usme hame dekhna hai ki government ki equity ka percentage kya banta hai jab merge ho jati hai ji। presently well such companies should have at least 51% गवर्नमेंट इक्विटी, करेक्ट। तो प्लेन मर्जर में क्या हम 51% रहेंगे कि नहीं जी। और नहीं तो उसके क्या तरीके हैं ये हमें कंसल्टेंट बताएंगे, फिर उसके बाद हम एक व्यू बना पाएंगे।